छोड़ देते हैं, क्यों लोग फॉरएवर को छोड़ देते हैं? लोग जब आते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदों को लेकर आते हैं, बड़े बड़े सपनों को लेकर आते हैं, लेकिन ज्वाइन होने के कुछ समय बाद या फिर कुछ महीनों बाद ऐसा क्या हो जाता है कि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और फॉरएवर को क्विट कर देते हैं? ऐसा क्या हो जाता है उनके साथ? तो आप भी अगर फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जो फॉरएवर कंपनी को ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो फॉरएवर में ज्वाइन हो चुके हैं या ज्वाइन होना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो क्यों लोग फॉरएवर को छोड़ देते हैं? तो पहली बात कि जब लोग फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं तो बहुत से लोगों की ये थिंकिंग होती है कि मैं फॉरएवर में ज्वाइन करूंगा, उनका जो माइंडसेट होता है वो लॉटरी माइंडसेट होता है। अब यहाँ लॉटरी माइंडसेट का क्या मतलब है? लॉटरी माइंडसेट मतलब होता है कि जैसे बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं तो सोचते हैं मैंने फॉरएवर अब ज्वाइन कर लिया है, मेरे जो 5-6 दोस्त यार हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी अच्छी दोस्ती आ रही है, उन्हें मैं बताऊँगा, वो लोग तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन होने के बाद वो लोग भी और चार से पाँच दोस्तों को अपने ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से वो लोग फिर किसी और को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगी, मेरी बहुत अच्छी बहुत जल्दी टीम बन जाएगी, मेरी अच्छी अर्निंग आने लग जाएगी, मुझे कार आने लग जाएंगी कुछ ही महीनों में, मेरी लाखों की चेक आने लग जाएगी। तो इस तरीके से जो लोग होते हैं ना, उन्हें कहते हैं लॉटरी माइंडसेट, कि काम कर ज्वाइन होते ही सोचते हैं कि मेरी अर्निंग अच्छी आने लग जाएगी, मेरी बहुत जल्दी बहुत अच्छी टीम बन जाएगी, तो मतलब सब कुछ इतना अच्छा अच्छा और इतना फास्ट सोचने लग जाते हैं। और जब उन्हें उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। और जब उनकी ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती है, जैसा उन्होंने प्लान किया था वैसा नहीं हो पाता है, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो मायूस हो जाते हैं और लोगों में नेगेटिविटी फैलाते हैं कि इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता है, कोई रिजल्ट नहीं आता है, मैंने करके देख लिया है। तो इस इंडस्ट्री में जब आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको पूरा समय देना होगा, पूरे लगन के साथ, पूरी नॉलेज के साथ, आपको यहाँ पे पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर लॉटरी माइंडसेट लेकर आएंगे तो लॉटरी माइंडसेट आप किसी भी बिजनेस में लेके जाएंगे तो तुरंत तुरंत कुछ नहीं किसी को हासिल होता है। हर चीज़ में आपको समय देना पड़ेगा, नॉलेज रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पर रिजल्ट आता है। तो लॉटरी माइंडसेट लेकर जो लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं ना, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लोगों के अंदर सब्र बिल्कुल नहीं रहता है आजकल। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इतना फास्ट ज़माना है कि लोग कम एज में ही बहुत कुछ अचीव कर लेना चाहते हैं। 20-22 साल की एज में उन्हें लगता है वो सब कुछ पा जाए, सब कुछ बना ले, फास्ट तरीके से सब कुछ हो जाए। वो कोई ना कोई सोशल मीडिया में कोई वीडियो ऐसा देख लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जिसे उन्हें लगता है कि हाँ मैं ये बहुत जल्दी अचीव कर लूँगा, मुझे जल्दी से जल्दी पाना है। तो कहने का उनके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है, सब कुछ चीज़ें वो बहुत कम एज में सब कुछ पा लेना चाहते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि उन्हें जब ऐसे रिजल्ट नहीं मिलता है तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और फॉरएवर को छोड़ देते हैं। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं उन्हें पेशेंस और सब्र तो ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों के अंदर पेशेंस या सब्र बिल्कुल नहीं है ना, वो लोग इस इंडस्ट्री में नहीं टिक पाते हैं ज़्यादा देर। इसलिए जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, किसी भी कंपनी को अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको पूरा समय और पूरा पेशेंस के साथ यहाँ पे काम करना होगा, यहाँ पे पूरा समय देना होगा। नेटवर्क इंडस्ट्री में सही सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही सपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी तो बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोगों को अगर सही सिस्टम नहीं मिल पाने की वजह से, सही ट्रेनिंग नहीं मिल पाने की वजह से क्या होता है कि वो अभी भी पुराने सिस्टम से काम कर रहे हैं, लोगों को दिन भर कॉल करते रहते हैं, लीड्स खरीदते हैं, और लोगों को कुछ समय के बाद कॉल करते करते वो खुद इरीटेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी कोई ग्रोथ दिखती नहीं है, उनका बिजनेस कुछ ग्रोथ दिखाई नहीं देता है, लोग इरीटेट हो जाते हैं और कुछ समय के बाद जो फॉरएवर को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें तो हमारा काम ही नहीं चलता है, इसमें कुछ नहीं होता है, तो इस वजह से लोग फॉरएवर को क्विट कर देते हैं। तो अगर आप इन पुराने तरीकों से लोगों को कॉल कर करके कन्विंस कर रहे हैं, लोगों को डीएम कर रहे हैं, ऑफलाइन तरीके से आप ऑफिस जा के लोगों से बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इस तरीके से आपका बिजनेस नहीं चलेगा। उस समय बाद आप खुद इरीटेट हो जाएंगे, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है वो 100% ऑनलाइन का ज़माना है, हर चीज़ें ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रही है। तो आपको भी अपने जो इस इंडस्ट्री में जब आते हैं तो आपको भी अपने सिस्टम को 100% ऑनलाइन करना पड़ेगा, नए जनरेशन के हिसाब से आपको भी बदलना पड़ेगा। आपको वो डिजिटल स्किल्स सीखने पड़ेंगे कि किस तरीके से आप डिजिटल तरीके से अपने इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों को बिना कॉल किए, बिना डीएम किए, बिना लोगों को कन्विंस किए, कैसे हम जो लोग फॉरएवर में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों से बात करें, जो लोग खुद आके आपके पास बोले कि वो फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं, किस तरीके से वो ज्वाइन करें, तो ऐसे लीड्स आपको कैसे मिलेगी, ऐसे स्किल, ऐसे डिजिटल स्किल आपको सीखने पड़ेंगे, ना कि उन लोगों को आप कन्विंस करें जो लोग फॉरएवर में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो अगर आप ऑनलाइन तरीके से काम करते हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो जो कि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा
बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर उसे आपने फेस कर लिया तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत आगे तक जा सकते हैं, और वो होता है रिजेक्शन, जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोगों को मिलता है। बहुत से लोग इस रिजेक्शन से डरते हैं, उन्हें लगता है कि अगर मैं लोगों से बात करूँगा लोग आसानी से जुड़ जाएंगे, मेरे प्रोडक्ट्स ले लेंगे, मेरी बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस इंडस्ट्री में जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परसेंटेज में रिजेक्शन को हैंडल करना पड़ता है। तो रिजेक्शन से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि रिजेक्शन आपको हर बिजनेस में फेस करना पड़ेगा। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग ही क्या, कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो रिजेक्शन आपको हर इंडस्ट्री में हर जगह आपको फेस करना पड़ेगा। तो रिजेक्शन को आप फेस करना सीखिए, ना कि इससे डर के भागना है आपको। इसे मैं एक एग्जांपल के जरिए भी समझा रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर्स क्लास में पढ़ाती हैं बच्चों को, तो टीचर तो सबको एक जैसा ही, इक्वल जैसा ही समझा रही हैं, लेकिन बच्चे जो हैं सब एक जैसा नहीं समझ पाते हैं। कोई ज़्यादा समझ लेता है थोड़े ही समय में, कोई ठीक ठाक समझता है और कोई बिल्कुल ही नहीं समझता है। लेकिन टीचर तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हैं, लेकिन कैचिंग पावर है जो सबका अलग अलग होता है हर बच्चों का। तो उसी तरह जब आप अपने बिजनेस को लोगों को समझाते हैं, लोगों को देते हैं, सिखाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो सबको समझने की पावर एक जैसी नहीं होते, सब आपके बिजनेस को नहीं समझेगा, इसीलिए सब लोग ज्वाइन भी नहीं करेंगे। तो रिजेक्शन जो है वो एक पार्ट है आपकी लाइफ का, इसे आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। अगर इसे आपने हैंडल करना सीख लिया तो आप बहुत आगे तक ग्रो करेंगे। तो आपको फॉरएवर को नए सिस्टम से करना पड़ेगा, आपको अपने नए सिस्टम से उन क्वालिटी लिस्ट तक पहुंचना है जो एक्चुअली फॉरएवर को करना चाहते हैं, फॉरएवर में इंटरेस्टेड है, ना कि उन लोगों के पीछे आपको कन्विंस करना है जो लोग फॉरएवर में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो अगर आप नए सिस्टम से फॉरएवर करते हैं, नए तरीके से, डिजिटल तरीके से करते हैं, तो आपको जो है क्वालिटी लीड्स मिलेगी, ना कि उन लोगों से जो लोग फॉरएवर में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप क्वालिटी लीड से बात करेंगे, फॉरएवर को नए सिस्टम से, नए डिजिटल स्किल से बात करते हैं, नए डिजिटल स्किल्स के साथ काम करते हैं, तो आपको जो रिजेक्शन कम मिलेगा और जो आपका कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट रीज़न होता है फॉरएवर को क्विट करने का, कि इसमें जो इनकम है आपका फिक्स नहीं रहता। किसी महीने आपकी अर्निंग कम आई, कभी आपकी ज़्यादा आई, कभी ठीक ठाक आई, और कभी ऐसा भी होता कि बिल्कुल ही नहीं आए। तो इस तरीके से इनकंसिस्टेंट इनकम होने की वजह से बहुत से लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, क्योंकि ये एक बिजनेस है। यहाँ आप काम करते हैं, प्रोडक्ट की रिटेलिंग करते हैं, तो ही आपकी अर्निंग आती है। ये कोई जॉब नहीं है जो आपको हर महीने फिक्स सैलरी मिलती रहेगी। तो ये कोई जॉब तो है नहीं कि आपकी हर महीने जो फिक्स सैलरी आती रहेगी। ये एक बिजनेस है, इनकम आप इसमें आता है, और ये जो इनकम है ये आपका प्लस और माइनस दोनों होते रहता है। तो ये भी रीज़न है कि बहुत से लोग फॉरएवर को क्विट कर देते हैं, कि इसमें हर महीने मेरी फिक्स सैलरी नहीं आती है। तो अगर आप नए तरीके से फॉरएवर करते हैं, नए सिस्टम को अपना के 100% ऑनलाइन डिजिटल तरीके से करते हैं, तो आपकी हर महीने इतनी अर्निंग तो आएगी ही कि आप डिमोटिवेट नहीं हो पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब कि आपको इस इंडस्ट्री में राइट माइंडसेट के साथ, राइट ट्रेनिंग और राइट सपोर्ट के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, और अपनी टीम को भी सेम यही सिस्टम में लाना है। पूरे पेशेंस के साथ आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काम करने में आपको टाइम तो पूरा देना ही पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ समय लगता है ग्रो करने में थोड़ा। तो जो भी मैंने रीज़न बताए हैं कि लोग फॉरएवर को क्यों छोड़ देते हैं, तो सभी रीज़न को आप एक्सेप्ट करिए, एक राइट माइंडसेट, राइट एक्सपेक्टेशन के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। 100% ऑनलाइन तरीके से, राइट सिस्टम और सपोर्ट के साथ आप बिजनेस में, फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करिए, और अपनी टीम को भी यही सपोर्ट और ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए। तो अगर आप अपने बिजनेस को 100% ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप इस बिजनेस को, अपने बिजनेस को, फॉरएवर बिजनेस को 100% ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल रखा है, 90 मिनट का वेबिनार है, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को 100% ऑनलाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।